मेरी शादी कराई गई एक हैंडी लड़के के साथ में वेरी फर्स्ट डे जब मैं शादी करके घर गई पे मेरे साथ इतनी ज़्यादा गंदगी से मेरे साथ आ, मेरे हस्बैंड ने जो रिश्ते बनाए वो इतने गंदे थे कि मेरी डॉक्टर ने बोला कि ये कौन हैवान है और आप इसके पास अगले दस पंद्रह दिन नहीं जाओगे मेरे ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मुझे बोला कि लंगूर के हाथ हूर लगेगी तो यही होगा और क्या होगा यूनिसेफ की माने तो 42% परसेंट गर्ल चाइल्ड अंडर 19 की एज में आज भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है वहीं 82% परसेंट महिलाएं हैं जो आज भी अपनी ही शादी में सेक्सुअल वायलेंस का शिकार है वहीं हर दस में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है इन तीनों घटनाओं में से कोई ना कोई जो घटना है वो आपके परिवार के साथ आपके दोस्तों के साथ या किसी ना किसी आपके जानकार के साथ हुई होगी लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ये सारी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं तो आपको हैरानी होगी और आप शायद डिस्टर्ब होंगे हाँ जी आज जो स्टॉक पे आपको मेरी कहानी डिस्टर्ब करने वाली है मैं आंचल शर्मा फाउंडर ऑफ मील्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडर ऑफ कैन हील एंड एडवांस ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर जब मैं आठ साल की थी तो मेरे साथ पहली बार इंसिडेंट हुआ था कि मैं सो रही थी और आ, मेरे चाचा जी आए और उन्होंने मैं मेरे कपड़ों में हाथ डाला और मेरी आंख खुली और मैं एकदम से चिल्लाई कि मम्मी कौन है कौन है करके तो मैं डर गई और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं लड़की हूं शायद मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है बट उससे भी ज्यादा जो शर्म की बात है वो ये है कि ये चीज एक बार पे नहीं रुकी ये बार बार होती रही बार बार होती रही कभी चाचा कभी बड़े कभी कोई और कभी मेरे मामा मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि जब भी मैं अपने घर में बताती उसका सिर्फ जो अंजाम होता वो इतना होता कि बेटा हमने इसको थप्पड़ मार दिया है बेटा हमने इसको एक डंडे से मार दिया है ये अब दोबारा नहीं करेगा पर तू किसी और को बताना मत हमारे घर की बदनामी होगी लोग क्या बोलेंगे तो वो जो बार बार जिस तरीके का घर वालों का बिहेवियर था उस बिहेवियर से मुझे लगा कि शायद उनकी गलती नहीं है मेरी ही गलती है कि मैं लड़की पैदा हुई हूँ और वो डर मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया कि जब मैं घर में क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे हम लोग प्रिवलेज नहीं थे कि हमारे पास मेड्स हो या कुछ और हो तो हम खुद ही झाड़ू पोछा करते थे तो मैं जब पोछा लगाती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना दुपट्टा यहाँ तक अपनी चेस्ट कवर करके रखूँ जब मैं करीब करीब पंद्रह साल की थी मेरे फूहा जी ने मुझसे मेरा महीने का कपड़ा मांगा मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हम जहाँ बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे सैनिटरी पैड का मतलब उस टाइम पे हमें नहीं पता था सो so, हम लोगों को ये पता था कि महीने में कपड़ा यूज़ होता है एंड मेरे फूफा जी ने मुझे बोला कि बेटा मुझे कुछ करना है और मुझे तुम्हारा महीने का कपड़ा चाहिए और मैं शौक थी कि महीने के कपड़े से क्या करेंगे ये मैंने अपनी मम्मी को आके बताया तो वहाँ पर पता चला कि उनके कुछ और ही इरादे थे और वो उसकी वजह से मैं और डर गई कि मैं कहाँ पे सेफ हूँ ना मैं अपने घर पे सेफ़ हूँ ना मैं अपने बुआ जी के घर पे सेफ़ हूँ ना मैं अपनी नानी जी के घर पे सेफ हूँ तो मैं सेफ़ हूँ कहाँ पे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी मुझे इतना फ्रेजाइल कर देती हैं इतना डरा देती हैं कि मैं मुझे डर लगता है सोते हुए कि कोई मुझे आके वापस ना पकड़ ले कोई मुझे आके वापस से गलत जगह पे टच ना कर दे जब ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं और हमारी एज इतनी हो जाती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें हम पीछे छोड़ते चले जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग फिर भी आ, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं रह जाता है लेकिन ये एक अलग इस किस्सा था और अभी जो मैं आपको बता रही हूँ मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पे जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आज भी इंडिया के अंदर 82 टू परसेंट महिलाएँ अपनी ही शादी में सेक्शुअल वायलेंस का शिकार होती हैं अगर मैं कहूँ सिंपल शब्दों में तो आ, जबरन सेक्स का शिकार होती है मम्मी के साथ भी ये सब हुआ सेक्सुअल अब्यूज़ से लेके वायलेंस तक मैं छोटे से ही देख रही थी कि आ, मेरी मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई होना या झगड़ा होना बहुत कॉमन था और वो जो उनके लिए कॉमन था वो हमारे लिए बहुत आ, दर्दनाक होता था क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे थे और हमें लगता था कि अब मम्मी के साथ ये ना हो जाए जैसे पापा का मम्मी का कभी झगड़ा हुआ तो पापा ने मम्मी के ऊपर चाय उठा के फेंक दी गरम गरम किसी दिन झगड़ा हुआ तो मम्मी को इतनी ज़ोर से मारा कि मम्मी के यहाँ पे फोर हेड पे कट लग गया मुझे आज भी याद है और हम इतने छोटे थे मैं और मेरा भाई के हम लोग रो रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई पापा के लिए हमें अब इस टाइम पे एक्शन लेना पड़ेगा जो होगा देखा जाएगा पापा ऐसे पापा होने से अच्छा ना हो हमारे पास उस टाइम पे हमारा ये रिएक्शन था एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड सिक्सटीन क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा अल्कोहल और जुआ खेलने की आदत में थे और वो इतना ज़्यादा कई बार ही पी लेते थे, थे कि उनको ये रियलाइज़ नहीं होता था कि मेरे बच्चे हैं मुझे उनको खाना खिलाना है मुझे उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना है इनफेक्ट हमारे साथ उल्टा होता था वो पीने के बाद में ना काम जाते थे और वो मेक श्योर sure करते थे कि मैं काम ना करूं और मेरे बच्चों के पास खाना ना आए एंड इसी करके हम लोगों ने वो दिन भी देखे जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था क्योंकि पापा काम जाते नहीं थे ऑटो चलाते थे और जो आता था वो डेली बेसिस पे ही आता था और उसी पे हमारा घर चलता था उस टाइम पे सो so, हमने ऐसा टाइम भी देखा जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और हम लोग रोटी के ऊपर सिर्फ पानी लगा के और लाल मिर्ची लगा के हम वो खाते थे क्योंकि हम सब्जी अफोर्ड नहीं कर पाते थे सो so, मेरी मम्मी इस सारी सिचुएशन से निकली उसके बाद हमने मैंने विटनेस किया मेरी छोटी बहन का शादी हुई उसकी शादी में उसको जिस तरीके से टॉर्चर करा उसको प्रेस से जलाना उसके बाल खींच के उसको मारना और उसको घर से निकाल देना आधी रात को उसको इतना मारा गया इतना मारा गया कि वो एक दिन अपना उसने एक दिन उसको जान से मार दिया मुझसे मिलने आने वाली थी और मुझे याद है साढ़े ग्यारह बजे का टाइम हुआ था और उसका कॉल आया बहन मैं आ नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया और मुझे वहाँ जाना है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये उसका आखिरी कॉल है और आज के बाद शायद मैं उससे कभी नहीं मिलूँगी मुझे ये नहीं पता था कि आज के बाद मैं शायद उससे कभी नहीं मिलूंगी और वो उसका आखिरी दिन होगा और उसका उसी दिन करीब एक बजे के आसपास उसका मर्डर होता है और उसका हस्बैंड हमारे साथ पूरा दिन घूमता है हॉस्पिटल से लेके पुलिस स्टेशन से लेके सब जगह हमारे साथ चक्कर काटता है और शो करता है कि जैसे उसको कुछ पता नहीं है पूरी रात हम लोगों की निकलती है पुलिस स्टेशंस में हॉस्पिटल्स में और हम लोगों को हैरानी होती है कि वो उसी के साथ थी तो गई कहाँ अगले दिन हमारे पास हम न्यूज़ में देखते हैं कि एक लड़की है 19 साल की जिसकी बॉडी सूरज कुंड के एक नाले में मिली है और जिसके हाथ पे ओम है वो मेरी ही बहन है छोटी और हम लोग जाते हैं वहाँ पे और जिस तरीके से उसको गला दबा के मार के वहाँ पे फेंका गया था और उसको दिखाया गया था कि इसको शायद किसी ने किडनैप करके रेप करके इसको फेंक दिया है उसके बाद हमें ये पता चल गया था कि जो मर्डर है वो खुद मेरे ब्रदर इन लॉ और उनके हस्बैंड ने ही किया था और उसको हमने उसी टाइम पर अरेस्ट कराया उसके बाद उस मर्डर के साथ हमने क्या किया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको भी बताना चाहूँगी स्टोरी सिर्फ यही नहीं ख़त्म होती मम्मी इस चीज़ से निकली बहन इस चीज़ से निकली सेम ही चीज़ मुझे नहीं पता था कि मैं भी अपनी शादी में एक्सपीरियंस करूँगी मेरी सिस्टर के छः महीने के बाद छः महीने उनकी डेथ के बाद मेरी शादी कराई गई एक हैंडी लड़के के साथ में वो भी रिलेटिव्स एंड सोसाइटी की वजह से कि जो भी छोटी बहन के साथ हुआ है या जैसा भी उसके साथ हुआ है इसकी वजह से अब इसके साथ शादी कौन करेगा और स्पेशली हमारी कास्ट में तो कोई नहीं करने वाला है तो वही जो सोसाइटी करती है जो मेरे मामा जी हैं और उन लोगों ने एक बेड़ा उठाया वो कहते हैं ना जब आपका खुद के फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो पूरी दुनिया आपका बाप बनने की कोशिश करती है तो मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ और मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा जिसके हाथ में कुछ जलने की वजह से ये चार पांच फिंगर्स नहीं थी और मैंने शादी के लिए इसलिए हाँ बोला क्योंकि पहली चीज़ मैं अपनी मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकती क्योंकि आज भी वो मेरी हीरो हैं और हमेशा रहेंगी दूसरी चीज़ जो थी वो ये था मुझे लगा कि हैंडी होने से कोई इंसान बुरा नहीं हो जाता या कोई इंसान कम नहीं हो जाता और मैंने ये सोचकर हाँ कर दी शादी के लिए लेकिन मेरे साथ वहाँ पे जो सेक्सुअल अब्यूज़ड हुआ या मैं कहूँ मेरी मेरी खुद की ही शादी में मेरा रेप हुआ वो एक दो दिन के बाद नहीं वो वेरी फर्स्ट डे से शुरू हो गया था उसी दिन वेरी फर्स्ट डे जब मैं शादी करके घर गई और उसी टाइम पे मेरे साथ इतनी ज़्यादा गंदगी से मेरे साथ आ, मेरे हस्बैंड ने जो रिश्ते बनाए वो इतने गंदे थे कि मेरी डॉक्टर ने बोला कि ये कौन हैवान है और आप इसके पास अगले दस पंद्रह दिन नहीं जाओगे या महीना जो भी था मुझे एग्जैक्टली exactly नंबर याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे ये डॉक्टर ने बोला और मैं चिल्लाते हुए बाहर आई थी उस रात मुझे याद है मैंने दरवाज़ा लॉक किया और मैंने बोला कि आप मुझे एक दिन के लिए लेके आए हो या आप मुझे शादी करके अपना पार्टनर बनाने के लिए लाए हो यहाँ पे तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मुझे बोला कि लंगूर के हाथ हूर लगेगी तो यही होगा और क्या होगा तो मैंने मेरा मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि जो चीज़ मैं अपनी मम्मी के साथ या बहन के साथ होते हुए देख रही थी वही सेम चीज़ मेरे साथ हो रही थी और ये नहीं कि पुरानी शादियों में होता है एक ही दिन की शादी में मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी उसके बाद मैं वहाँ पे रही और वापस से क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बताया मम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं हमारी शादियों में ये होता है हमारे यहाँ पे ये कल्चर है क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी थी तो उन्होंने उसी तरीके से मुझे समझाया टाइम निकलता गया महीना हुआ एक महीने में काफ़ी बार मैं इस चीज़ से गुजरी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इस शादी से बाहर आऊँगी रीज़न सिर्फ ये नहीं था रीज़न डोमेस्टिक वायलेंस भी था जिस तरीके से मेरे साथ मारपीट होती थी जिस तरीके से मेरे फादर इन लॉ मुझे मारते थे मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं मारा ना मेरे ब्रदर इन लॉ ने बट मेरे फादर इन लॉ जिस तरीके से मारते थे वो इतना पेनफुल होता था सिस्टर इन लॉ जैसे मारती थी एक महीने के बाद जब मैं अपने घर आई तो आ, मेरे पेरेंट्स आए मेरे फादर इन लॉ आए और वो मुझे वापस लेके गए क्योंकि मैं झगड़ा करके घर पे आई हुई थी कि मुझे वापस नहीं जाना है और मेरे साथ ये सब हुआ है मुझे ये सब नहीं डील करना लेकिन अगेन मम्मी के प्रेशर में जैसे कि मम्मी ने और घर वालों ने बोला कि बेटा हमारे यहाँ पे नई नई शादियों में ये सब होता है एक दो साल की बात है सब ठीक हो जाएगा मैं चली गई वापस लेकिन जब मैं वापस गई उसी रात उन्होंने फिर से मुझे जिस तरीके से मारा मेरे यहाँ से हेड से ब्लड आ रहा था और मैं बेहोश हो गई और मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया क्योंकि वो शादी के मीडिएटर भी थे तो उन्होंने कहा कि इस लड़की की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है अगर आपको अपनी लड़की को बचाना है तो आप हमें उसको यहाँ से ले जाएं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर वाले रात को एक बजे आके मुझे वहाँ से लेके जाते हैं और उस दिन मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ अपने साथ में मैं अगर अपनी मम्मी के लिए लड़ सकती हूँ अपनी बहन के लिए लड़ सकती हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं लड़ रही हूँ आई थिंक वो एक थाट था और वो एक डिसीजन भी था उसी टाइम पे कि मैंने इस रिलेशन से बाहर निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अपनी पहली कार एज अ डाउरी खरीदी जो मैंने अपने इन लॉज को दी और अ... मतलब उस दिन मुझे ऐसा हुआ कि जब मेरे पेरेंट्स भी मुझे फोर्स कर रहे थे कि नहीं बेटा एक बार ट्राई करो एक बार जाओ तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपको रखना है तो मुझे रखिए आपको नहीं रखना है तो मुझे मत रखिए अगर मैं आप सबका ख्याल रख सकती हूँ तो मैं अपना भी ख्याल रख सकती हूँ आई थिंक ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है और मैंने टू में, में मेरी शादी हुई थी ग्यारह जुलाई को और टू में मैं वापस से फ्री वेमेन कोर्ट का केस लड़ा मैंने और मैं उस केस से बाहर आ गई और मैं वो केस जीत गई अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज भी इंडिया में हर एक दस में से एक फीमेल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रही है जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी ये स्टोरी जो है यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि अभी बहुत कुछ है हर बार जब मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ ठीक है या अब सब कुछ ठीक होने वाला है या अब सब कुछ ठीक हो गया है उसी टाइम पे मेरी न, मेरे लिए कुछ नए टास्क आ जाते थे नई नई परीक्षाएं हो आ जाती थी भगवान हर एक मोड़ पे एक नई परीक्षा मेरे लिए वहाँ पे खड़ी कर देता एक होता है ना जिंदगी जब आप जीते हैं तो हमेशा उसके आ, कुछ आ, असूल होते हैं कई बारी आप आ, आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है या बहुत कुछ चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं मेरी जिंदगी में क्या था कि जब मैं बचपन से जो भी कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं जो लाइफ जी रही थी और जो मेरे ड्रीम्स थे उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मैंने अपने आप को एक तरीके से मशीन बना दिया मैं सुबह से लेके शाम तक काम करती और इस लेवल पे काम करती कि मैंने कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को अपनी बॉडी को निग्लेक्ट कर दिया और उसका जो रिज़ल्ट आया वो कैंसर था मुझे नहीं पता था कि इतना सब देखने के बाद कि मैं कैंसर को भी डील करूंगी क्योंकि होता है ना कि आप बचपन से इतनी सारी चीजें देख रहे हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि अब कुछ ऐसा भी आपकी लाइफ में आ जाएगा जो कि मेरी लाइफ में आया कैंसर और जब मुझे कैंसर हुआ मुझे याद है मेरे छोटे भाई की घर में शादी थी और मेरे लिए और भी चैलेंजिंग जो था वो ये था कि मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती ना मैं अपने घर में मम्मी को बता सकती ना अपने भाइयों को बता सकती कि मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया है और ट्रस्ट में ये बहुत पेनफुल होता है कि आपको कुछ ऐसी इतनी बड़ी बीमारी हो और आप किसी के साथ शेयर ना कर पाएँ मैं रोज़ अपने भाई की शादी में आ, पूरे के पूरे जो रिचुअल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करती सुबह हॉस्पिटल जाती कभी वाइपसी कराने कभी पेट स्कैन कराने और फिर उसके बाद रात को आके वहाँ पे डांस करना संगीत में पार्टिसिपेट करना आ, हल्दी में पार्टिसिपेट करना और मैंने किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझे कैंसर हो डायग्नोज हुआ है जिस दिन शादी ख़त्म होती है बाईस जनवरी को भाई की उसके नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल जाती हूँ हॉस्पिटल जाके मैं अलग अलग विंग्स से अपनी सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करती हूँ और फिर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं डॉक्टर को बोलती हूँ कि अभी नेक्स्ट क्या सो मुझे याद है डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपकी कीमो शुरू करनी है जितना जल्दी हो सके क्योंकि एडवांस स्टेज है तो हम एक भी दिन डिले नहीं कर सकते सो मैंने उनको प्रोसीज़र पूछा कि आप कैसे करेंगे क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मेरे पास कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है और या फिर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरा खर्चा उठा पाए तो मुझे जो आप जो भी ट्रीटमेंट दें वो ऐसा दे कि जिसकी वजह से मैं घर में ना बैठूँ क्योंकि मुझे काम करूँगी तो शायद मैं सर्वाइव कर पाऊंगी अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं सर्वाइव भी नहीं कर सकती उस दिन मेरी पहली सर्जरी हुई थी कीमोफॉट की मुझे याद है मेरे यहाँ पे उन्होंने कुछ पाइप डाला था एंड यहाँ पे अंदर कॉलोबोन में उन्होंने मुझे कीमोफॉट लगाया था और डेढ़ घंटे की सर्जरी थी जो दो ढाई घंटे हो गए थे मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे आ, एनेथीजिया दिया था और जिसका इफेक्ट खत्म हो गया था वो मेरी पहली सर्जरी थी उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा उसके बाद मैं ड्राइव करके खुद अपने घर गई और जब मैं घर गई तो वहाँ पे उस दिन मैंने सबको सब कुछ बताया और घर में जो शादी का माहौल था वो ऑलमोस्ट मातम के माहौल में बदल गया सब लोग रोने लगे क्योंकि पूरा यहाँ से पूरी ड्रेसिंग थी और वो था और जब उनको पता चला उसके ऊपर कि कैंसर है तो घर में माहौल और भी ज़्यादा अजीब सा हो गया बट मैं हमेशा शुक्रिया करती हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे इतनी इतनी आ, हिम्मत दी है कि मैं जब सिचुएशंस में होती हूँ तो मैं उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करती हूँ जो कि मैंने की और आ, मेरी मम्मी को मैंने एक ही चीज़ बोली थी और भाइयों को कि अगर आप ऐसे ही रोगे या आप ऐसा माहौल बनाओगे तो मुझे लगता है क्योंकि आप ऑलरेडी बिलीव कर चुके हो कि मैं मरूंगी ही मरूंगी लेकिन मुझे पता है कि मेरे को अभी सरवाइव करना है और मुझे लड़ना है मेरी लड़ाई अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है तो या तो आप मुझे हैप्पीली एक्सेप्ट करो यहाँ पे और मुझे नॉर्मल सबकी तरह आप मुझे डील करो भाइयों की तरह जैसे मुझे मैं नॉर्मल हूँ या ये एक बीमारी है इसको बीमारी की तरह लो और या फिर मैं कहीं और चली जाती हूँ जहाँ पे मैं अपना ख्याल और अपनी इलाज प्रॉपर तरीके से करवा पाऊँ कमाल की बात यह है कि उस दिन के बाद मेरे खुद के घर वाले ये भूल गए कि इसको कैंसर हुआ है मैं अकेली हॉस्पिटल जाती अपने बेस्ट कपड़े पहन के बेस्ट मेकअप पहन के मैं अकेली हॉस्पिटल जाती और मैं अपना पूरा ट्रीटमेंट कराती और अपने काम पे भी जाती जैसा कि मैंने कहा क्योंकि मेरा कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था कि मैं अपना ट्रीटमेंट कैंसर का ठीक से करा पाऊँ क्योंकि कैंसर बहुत एक्सपेंसिव डिज़ीज़ है और जिसके लिए मुझे पंद्रह पंद्रह घंटे खड़े भी रहना पड़ा लेकिन वो कहते हैं ना जब ऊपर वाला आपको हिम्मत देता है तो इतनी देता है कि आप किसी के सामने नहीं झुकते फिर कैंसर तो क्या ही चीज़ है जैसा कि मैंने कहा कि मेरी छोटी सिस्टर का मर्डर जो है मेरे जीजा जी ने किया था और जो कहते हैं ना आत्मविश्वास जो औरतों का होता है अगर वो अपनी पे आ जाए तो कुछ भी नहीं छोड़ती तो वो आत्मविश्वास मेरा इस केस में लड़ने में सबसे बड़ा वेपन बना क्यों क्योंकि मेरी सिस्टर को जब मारा था वो अकेली नहीं थी उसको शी वॉज एक्सपेक्टिंग थ्री मंथ्स चाइल्ड सो एक नहीं उसने दो इंसानों को मारा और वो जो आत्मविश्वास था वो मेरा सबसे बड़ा वेपन इसीलिए बना क्योंकि मुझे लड़ना था और मुझे अपनी बहन के लिए लड़ना था और मुझे ऐसा लगता है कि ये आत्मविश्वास हर एक उस औरत के अंदर है जो इन चीज़ों से गुजर रही है सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है और इसी के बल पे इस आत्मविश्वास की वजह से ही आज मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला पाई और वो लाइफ इंप्रीजमेंट की मैंने उसको सज़ा दिलाई और अभी भी मैं उसके लिए फांसी के लिए लड़ाई कर रही मुझे मालूम है कुछ लोग मेरी स्टोरी को नेगेटिव लेंगे कुछ लोग मेरी स्टोरी को पॉजिटिव लेंगे लेकिन मैं सिर्फ जाते जाते आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन आप हर एक प्रॉब्लम का डट के सामना करना क्योंकि गिवअप करना बहुत ईजी है और लड़ाई लड़ना उतना ही मुश्किल है लेकिन जब आप उस लड़ाई से लड़के बाहर आते हैं तो वो जो आपको एक प्राउडनेस फील होती है आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कितनी छोटी थी मैं इस प्रॉब्लम से लड़के बाहर आ गई या आ गया किसी की लाइफ में कभी एग्जाम का प्रॉब्लम होता है किसी की लाइफ में कोई लड़की छोड़ के चली जाती है या किसी की लाइफ में मैं कहती हूँ कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है हम डर जाते हैं क्योंकि हम अननोन हैं उस आने वाली सफलता से या उस आने वाले रिजल्ट से कि हम क्योंकि हम अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाते अगर आप बिलीव करोगे आपको वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी जब आप उस प्रॉब्लम से लड़के बाहर आओगे और आपको लगेगा अरे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ गया या मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ गई सो so, अपनी हर एक प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव एंगल दो और एक पॉजिटिव सोच रखो कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है और ये इस प्रॉब्लम से मैं बाहर आ सकता हूँ या मैं आ सकती हूँ लोग कहते हैं सब जल गया बचा क्या है और मैं कहती हूँ हम बच गए तो जला क्या है धन्यवाद इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें